आज हम देखेंगे वन को टू के बराबर कैसे प्रूव कर सकते हैं। लेट ए इक्वल टू बी, दोनों साइड अब हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एक स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब दोनों साइड से हम बी स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, और इस साइड बी कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू बी। अब अब इक्वेशन से हमने माना है इक्वल टू बी है, तो बी ए की वैल्यू बी रखते हैं, बी प्लस बी इक्वल टू बी, ये हो जाएगा टू बी इक्वल टू बी। बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा टू इक्वल टू वन। जैसा कि आपको लग रहा होगा इसमें सभी स्टेप सब सही लग रहे हैं, लेकिन टू वन के बराबर नहीं हो सकता। तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि किस गलती की वजह से टू वन के बराबर आ गया है? यदि आप ट्राई करना चाहते हैं या पता लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, देखते हैं कि गलती किस स्टेप में हुई है जिससे टू वन के बराबर आ गया। जैसा कि हमने माना है ए इक्वल टू बी है, तो इस सोलूशन में ये स्टेप अनडिटरमिंड आएगा क्योंकि ए माइनस बी जीरो होगा है क्योंकि ए इक्वल टू बी है। तो अगर किसी संख्या में हम जीरो से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू अनडिटरमिंड रहती है, मतलब कुछ भी आ सकती है, टू इक्वल टू वन भी आ सकती है।